51 शक्तिपीठ में से एक आलोपी देवी। आलोपी देवी के साथ में इनको आलोप शंकरी भी कहा जाता है। ये शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ के आप दर्शन कर रहे हैं, जिनका दूसरा नाम महादेश्वरी भी है। पास में ही ललितेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करने जरूर जाएं। आलोप का मतलब होता है जो दिखता नहीं है, वह लेकिन हम नहीं देख सकते। यहाँ ना कोई मूर्ति है और ना ही यहाँ कोई पिंडी, यहाँ सिर्फ झूले के दर्शन होते हैं। झूले को देवी मानकर पूजा की जाती है। दाहिने हाथ का पंजा गिरा था यहाँ पर सभी माता का, गिनने के साथ में ही पंजा अदृश्य हो गया, मतलब गायब, जिसे आलोक कहा जाता है। माँ आशीर्वाद अपने हाथों से देती है बच्चे को, और यहीं पे दाहिना हाथ गिरा था। तो ऐसी कामना करता हूँ कि आशीर्वाद आपको भी मिले और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। ये जो पालना है, पालना महादेव का स्वरूप है, और ऊपर जो डंडा है जिस पर साड़ी बांधी है, वो माता जी का स्वरूप है। इसके नीचे एक खड्डा है, यानी कुंड है। उस कुंड के अंदर पानी भरा रहता है और लोग प्रसाद में लेके जाते हैं। ये देखिए बाहर के जो मंदिर है, कुंड के अंदर श्री यंत्र बना है, क्योंकि कुंडली गिरने से यहाँ पे खड्डा बन गया और वहाँ पे कुंड है। रक्षा सूत्र बांधने से यहाँ पे हर मुराद पूरी होती है। किसी भी शक्तिपीठ में जाए, वहाँ पे भैरव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि जहाँ जहाँ 51 टुकड़े सती माता के गिरे थे, वहाँ पे भगवान विष्णु ने वहाँ पे भैरव को स्थापित किया था। 51 शक्तिपीठ है, लेकिन 35 शक्तिपीठों के आप दर्शन घर बैठे कर सकते हैं, जो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। 51 में से कुछ के मैं दर्शन नहीं करवाया, क्योंकि एक पाकिस्तान में है, एक नेपाल में है, एक 3 बांग्लादेश में है, एक भूटान में है, और एक चाइना में कैलाश मानसरोवर के पास में एक है। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो 100 वीडियो हैं, घर बैठे आप 35 शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। बाहर कई अन्य मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। ये हैं नव दुर्गा जी के 9 स्वरूपों के मंदिर, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भैरव का मंदिर है। भैरव का मंदिर किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। ये मंदिर है अलाहाबाद में, जो एक्चुअली त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती जी का जो संगम है, प्रयागराज में स्थित है। वहाँ पर जाएँ तो लेटे हनुमान जी का भी दर्शन करें, अक्षयवट का भी दर्शन करें। ये सारे वीडियो भी मेरे YouTube पे अवेलेबल हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे। आलोप गढ़ जाने के लिए आपको अलाहाबाद रेलवे स्टेशन से उतरना पड़ेगा, 50 से 100 रुपया लेगा रिक्शा वाला और आपको मंदिर तक पहुंचा देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में और ग्रुप पर शेयर कर दें। जय माता।